बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करने जा रहे हैं रेजोल्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ टू वेक्टर। याद रखिएगा, ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो जो कि मैंने स्टडी पेपर की बनाई है फर्स्ट ईयर फिजिक्स की, तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 में मैंने बताया था कि ये वो मेन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हर एक साल छोड़ के रिपीट होता है, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये देख लीजिएगा, रेजोल्यूशन एंड कॉम्पोजिशन है टू वेक्टर्स की, ठीक है। अब टू वेक्टर क्या है, हमारी किताब में जो वेक्टर के नाम लिखे हैं, पहले वेक्टर का नाम A1 लिखा है, दूसरे का नाम A2 लिखा है। A1 जो एंगल बना रहा है वो थीटा 1 है, A2 जो एंगल बना रहा है वो थीटा 2 है, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये बाय डिफॉल्ट होता है कि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही हम लेते हैं। तो वो कह रहा है डिस्क्राइब करें उनकी रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट एडिशन। अच्छा, इसके नाम एग्जाम में ना चेंज कर लेता है। देखिए, एंगल तो वही थीटा 1 थीटा 2 रहते हैं, लेकिन वो एग्जाम में नाम क्या चेंज कर लेता है, A1 का नाम F1 कर देता है, A2 का नाम F2 कर देता है। इसी तरीके से एग्जाम में उसने A1 वेक्टर की जगह पे सिर्फ वेक्टर P और A2 वेक्टर की जगह सिर्फ वेक्टर Q लिख दिया। तो P एंड Q एंगल बना रहे थीटा 1 एंड थीटा 2, राइट। तो ये इस डिफरेंट तरीके की वर्डिंग्स में आता है जो कि आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इसका प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रोसीजर क्या है, ताकि फिर उसके बाद हम इसकी डायग्राम बना के इसको कम्प्लीटली कर लेते हैं। तो प्रोसीजर ये होगा, याद रखिएगा, हमेशा इसके जो है ना वो 5 स्टेप्स हैं जिसके अंदर हम इसको करते हैं, ठीक है, इसके प्रोसीजर को। तो वो 5 स्टेप क्या है, वो 5 स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि पहला स्टेप ये है कि हम हर वैक्टर को रिजोल्व करेंगे किसके जरिए, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट मैथड के जरिए। तो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट मैथड के जरिए आपने पिछली वीडियो में वैक्टर को रिजोल्व करना सीखा हुआ, ठीक है। सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम मालूम करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। थर्ड स्टेप के अंदर हम अलजेब्रिक सम मालूम करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। फोर्थ स्टेप के अंदर हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का, और फिफ्थ स्टेप के अंदर हम डायरेक्शन मालूम करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की, लेकिन किसके साथ से, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से करते हैं। तो ये 5 स्टेप्स हैं हमारे पास। अब इन 5 स्टेप्स को हम बेसिकली करते चले जाएंगे, और मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन दोबारा, अब डायग्राम भी मैं बनाता हूं और पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए हुए हैं, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जिस तरीके से उसने मुझे गिवन दिया हुआ है, वेक्टर A1 जो कि एंगल थीटा 1 बना रहा है वो मैंने बना दिया। इसी तरीके से मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वैक्टर A2 बनाया, जिसका एंगल मैंने क्या बनाया, थीटा 2, जिस तरीके से उसने मुझे कहा है। आप एग्जाम में चाहें तो A1 की डायग्राम इस तरीके से अलग और A2 वैक्टर की डायग्राम इस तरीके से अलग भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मैंने और करके लिखा हुआ है, आप क्या करें, एक ही ग्राफ बना के, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के, वहीं पर ओरिजिन से एक वेक्टर A1 जिसका एंगल है एक्स एक्सिस के साथ क्या है, थीटा 1, और वहीं से A2 वेक्टर बना के, और ये देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वेक्टर तक का एंगल थीटा 2 है, लिखा थीटा 2 मैंने यहां पर है, लेकिन इसको मैंने बनाया कहां से है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करते हुए वेक्टर तक लेकर गया हूं। इसी तरीके से बनाना, कहीं यहां से यहां तक ना बना देना, दरमियान वाले से मैं ना बना देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। बनाना आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस सही है, लिखा बता आपने यहां पर है। तो आप चाहे तो दो डायग्राम अलग अलग करके बना दीजिए, या एक ही डायग्राम के ऊपर वेक्टर A1 और A2 को शो कर दीजिए। तो मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। दोनों इक्विवेलेंट है, मैंने दोनों आपके लिए बनाई है। अब मैंने इन दोनों वेक्टर्स को सम करना है, तो मैंने हेड टू टेल रूल के जरिए देखिए क्या किया है, मैंने चलिए डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मैंने दोबारा से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ले लिया, मैंने सबसे पहले वेक्टर A1 बनाया, और वेक्टर A1 के हेड पे, हेड टू टेल रूल यही कहता है ना, वेक्टर A1 के हेड पे मैंने वेक्टर A2 का टेल प्लेस किया और वेक्टर A2 बना दिया। फिर मैंने टेल टेल से मीट कराया और हेड हेड से मीट कराया, तो ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है, ये मेरे पास है वेक्टर A1 जिसका एंगल मेरे पास कितना है, थीटा 1। मेरा ख्याल बात समझ में आ रही होगी। अब ये जो मेरे पास वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है मेरे पास वेक्टर A2, और मैं यहां से थोड़ा सा ना इस तरीके से डॉटेड बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो एंगल है, ये एंगल है मेरे पास थीटा 2। मेरा ख्याल आसानी से बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो A1 और वेक्टर A2, इन दोनों को सम करने से जो रिजल्टेंट आया है, इस वेक्टर का नाम मैं रख देता हूं वेक्टर A, और ये जो वेक्टर A है, इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैं यहां से एंगल बनाऊंगा वेक्टर तक, जबकि लिखूंगा यहां पे कि ये वेक्टर क्या है मेरे पास, थीटा। तो ये जरा ख्याल कीजिएगा जो मैं आपको यहां पे भी समझा रहा था, ठीक है, बनाना आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये हमने डायग्राम बना दी। तो अब हम इन वेक्टर को बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं कि ये वेक्टर A1 है ना, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूं, तो मुझे बताइए इस डायरेक्शन में ये वेक्टर A1 का एक्स कॉम्पोनेंट होगा। मेरा ख्याल आसान से बात समझ में आ रही है। और ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये वेक्टर A1 का वाई कॉम्पोनेंट होगा।
सही है। इसी तरीके से अगर मैं यहां से इसको इस तरीके से एक्सटेंड करता हूं तो ये, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं स्ट्रेट नीचे लेकर आता हूं, तो ये क्या होगा, वेक्टर ए टू का वाई कंपोनेंट होना चाहिए और ये जो मैंने बनाया है ये वेक्टर ए टू का एक्स कंपोनेंट होना चाहिए। मेरा ख्याल है आसान सी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मैं इसको यहां से इधर एक्सटेंड करके नीचे तक ले आता हूं तो मुझे बताइए कि ये जो हाइट है ये हाइट ए वन के बराबर है, तो अगर ये ए वन वाई है तो ये भी ए वन वाई होगा। सिमिलरली जितना ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है जिसको मैंने ए टू एक्स कहा है, तो ये वाला जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है यहां तक ये भी मेरे पास क्या कहलाएगा, ए टू एक्स कहलाएगा। आसान से बात समझ में आ रही होगी। तो ये मैंने क्या कर दिया, ए वन और ए टू को मजीद कॉम्पोनेंट के अंदर मैंने रिजोल्व कर दिया। अब अगर ये बात ठीक है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ए वन और ए टू का रिजल्टेंट ही तो ए वैक्टर है, सही है ना बात। तो जो वेक्टर ए है अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर गिराऊं तो इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं कि ये सारी जो वर्टिकल हाइट है यानी यहां से लेकर यहां तक, ये वेक्टर ए का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगी, वाई कंपोनेंट हो जाएगा। और ये जो सारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो कि मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं और कहां तक, यहां तक ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये भी बात आसानी से समझ में आ रही होगी। अब डायग्राम आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि मैं अगर वेक्टर ए वन का एक्स कंपोनेंट और वेक्टर ए टू का जो ए टू एक्स कंपोनेंट है, सही ना, ए टू एक्स, तो ए वन एक्स और ए टू एक्स को मैं दोनों को प्लस करता हूं तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट बन रहा है। तो मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं कि ए वन एक्स और प्लस ए टू एक्स हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बन रहा है। इसी तरीके से मैं आपको ये डायग्राम आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि वेक्टर ए वन का वाई कंपोनेंट और ए टू का जो वाई कंपोनेंट है इन दोनों को सम करने पे जो रिजल्टेंट वेक्टर ए है उसका वाई कंपोनेंट बन रहा है, जिसको मैंने यहां पर लिखा है। तो मैं इसके आगे भी ऐसे लिख देता हूं कि वैक्टर ए वन वाई प्लस वैक्टर ए टू वाई, ये दोनों मिलकर रिजल्टेंट वैक्टर का वाई कॉम्पोनेंट बन रहे हैं। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम, ये पूरी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद हम मैथमेटिकल स्टेप्स करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जो हमने स्टेप्स डिफाइन किए थे पांच स्टेप्स, उन स्टेप के जरिए डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। तो हमने जो पहला स्टेप डिफाइन किया था वो हमने ये डिफाइन किया था कि हमने हर वेक्टर को क्या करना है कि उसको रिजॉल्व करना है। तो हम उसको रिजॉल्व करना शुरू करते हैं स्टेप वन में। देखिए, मैं जानता हूं कि जो मेरा वैक्टर ए वन है वो ए वन एक्स प्लस ए वन वाई, ये दो कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसमें मैं इसको लिख सकता हूँ। फर्दर मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं ये बात जानता हूँ कि जो एक्स कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन को आई कैप से और जो वाई कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन को हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम मजीद भी ये बात पढ़ चुके हैं कि जो एक्स कॉम्पोनेंट होता है वो ए वन, उसके साथ कॉस होता है कॉस थीटा वन, और बार आप इस पैरेंथेसिस से बार आई कैप लिख दीजिए। इसी तरीके से ए वन वाई को हम क्या लिखेंगे, ए वन साइन थीटा वन, और इसके साथ आप क्या लिख दीजिए, जे कैप। तो ये आपने वेक्टर ए को रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। अब ये एक्स के साथ कॉस क्यों आता है, वाई के साथ साइन क्यों आता है, ये पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो वेक्टर है हमारे पास वेक्टर ए टू, उसको रिजॉल्व करेंगे। तो वेक्टर ए टू को रिजॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये जो वेक्टर ए टू है मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूं ए टू एक्स प्लस ए टू वाई, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या लिखूंगा, ए टू एक्स और उसके साथ आई कैप और प्लस ए टू वाई, और उसके साथ मैं क्या रिप्लेस करूंगा, जे उसके साथ मैं लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं ये बात जानता हूं कि जो एक्स है मेरे पास उसको हम कॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए टू एक्स को मैं लिखने जा रहा हूं ए टू कॉस थीटा टू, और बाहर उसके साथ मैंने आई कैप लिख दिया, और प्लस ए टू वाई को मैं लिखूंगा ए टू साइन थीटा टू, और उसके साथ मैं किसको लिखूंगा, जे कैप को। मेरा ख्याल ये आसान सी बात है जो आपकी समझ में आ रही होगी। आप चाहें तो पर डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, डायग्राम के अंदर मैंने इस तमाम बात बताई हुई है आपको कि देखिए ये वेक्टर ए वन है ना, तो अगर ये वेक्टर ए वन है तो उसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है एंगल के साथ मैंने क्या बताया था कॉस, और एंगल के सामने मैंने क्या बताया था साइन। तो ए वन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने लिख सकता ए वन कॉस थीटा वन, ये मैंने आपसे कहा था ना कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां और इसके सामने वाले को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए वन साइन थीटा वन,
तो ये हमने आपको एक्सप्लेन किया पिछली उस वीडियो के अंदर। इसी तरह वेक्टर ए टू का एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, हमारे पास कॉस होता है, तो ए टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए टू कॉस थीटा टू, और ए टू वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ए टू साइन थीटा टू। तो वही तमाम चीज मैंने यहां पर नीचे की हुई है, तो मेरा ख्याल है कि ये अब आसानी के साथ आपकी समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास हो गया स्टेप नंबर वन, अब हम स्टेप नंबर टू की तरफ जाते हैं। स्टेप टू के अंदर हमने क्या कहा था कि हमने कहा था कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है उसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए जो वेक्टर ए है इट कैन बी रिटन एज ए एक्स और प्लस ए वाई। तो मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, मेरे पास वेक्टर ए, वो क्या है मेरे पास, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप आप जरा गौर से देखिएगा। देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो दिस इंप्लाइज दैट, ये जो मेरे पास ए एक्स है ये किसके इक्वल है। अगर डायग्राम में हम देखें तो मैंने आपको बताया है कि जो रिजल्टेंट का एक्स है वो फर्स्ट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और सेकंड वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ए एक्स जो है वो किसके बराबर है, ए वन एक्स के प्लस ए टू एक्स के। मेरा ख्याल ये आसान किस्म की बात होगी अब आपके लिए। और फर्दर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ए वन एक्स को ए वन कॉस थीटा वन, और ए टू एक्स को कैसे लिख सकता हूं, ए टू कॉस थीटा टू। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट का जो एक्स है वो सम ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट के एक्स के है, यानी जो पहला कंपोनेंट का एक्स है दूसरे कंपोनेंट का एक्स है वो मिला के रिजल्टेंट का एक्स बन रहा है। यहीं से हम चले जाते हैं स्टेप नंबर थ्री के ऊपर, और स्टेप नंबर थ्री क्या है कि ये काम जो कि मैंने एक्स कंपोनेंट के साथ किया है ये अब मैं वाई कंपोनेंट के साथ करूंगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो मेरा वाई कंपोनेंट है, किसका वाई कंपोनेंट, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, वो मेरे पास पहले वेक्टर के वाई कंपोनेंट और प्लस दूसरे वेक्टर के वाई कंपोनेंट का सम है, जैसा कि डायग्राम के अंदर मैंने आपको शो किया। ठीक है, ये देखिए ये ए वाई है, मैंने ए वन वाई प्लस ए टू वाई आपको बताया है, राइट। तो अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, ये जो मेरा ए वन वाई है इट कैन बी रिटन एज ए वन साइन थीटा वन, और ए टू वाई कैन बी रिटन एज ए टू साइन थीटा टू, एंड दिस इज दी जो ये जो हमारे पास है ये हमारा जो रिजल्टेंट वैक्टर है उसका वाई कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो यहां जाके हमारे स्टेप नंबर टू और स्टेप नंबर थ्री कंप्लीट होता है। अच्छा, स्टेप नंबर फोर के अंदर अब हमने क्या कर रहे हैं, हमने कॉम्पोजिशन शुरू करनी है। तो कंपोजिशन जब हम शुरू कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो बेसिकली स्क्वायर रूट हम अप्लाई करते हैं और हम कहते हैं कि एक्स कंपोनेंट पे अगर हम स्क्वायर अप्लाई करें और वाई कंपोनेंट पे हम स्क्वायर अप्लाई करें तो ये हमारे पास जो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बनता है। ठीक है, जो कि हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इसको आज हमने फर्दर रिजॉल्व करना है, फर्दर ऐसे रिजॉल्व करना है कि मैं इसको लिख सकता हूं, नेक्स्ट स्टेप को मैं सामने करके लिख रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि जो मेरे पास ए एक्स है वो मैं जानता हूं कि वो तो फर्स्ट वेक्टर का एक्स और प्लस सेकंड वेक्टर के एक्स का सम है, एग्रीड। तो इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया स्क्वायर, ये मेरे पास ए एक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से मैं ये बात भी जानता हूं कि जो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है मेरे पास वो फर्स्ट वेक्टर के वाई कंपोनेंट और प्लस सेकंड वेक्टर के वाई कंपोनेंट का सम है, इस पर भी हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया और स्क्वायर रूट को यहां तक पूरा लिख दीजिए। ये बात समझ में आ रही है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमने इसको स्क्वायर रूट अप्लाई किया और ए वन एक्स कैन बी रिटन एज ए वन कॉस थीटा वन, और ए टू एक्स को मैं लिख सकता हूं ए टू कॉस थीटा टू, और इसके ऊपर हमने होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, एग्रीड, ये जैसे स्क्वायर है। इसी तरीके से प्लस ए वन वाई को मैंने लिख दिया ए वन साइन थीटा वन, प्लस ए टू वाई को मैंने लिख दिया ए टू साइन थीटा टू, और इसके ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब इस रूट को एक्सटेंड कर लीजिए जहां तक ये पूरी आपने इक्वेशन लिखी है। तो ये हमारे पास जाकर हो जाता है हमारे पास स्टेप नंबर फोर। स्टेप नंबर फाइव के अंदर हमने आपसे कहा था कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम एंगल मालूम करेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का। तो हमने कहा कि हम ये बात जानते हैं कि रिजल्टेंट का जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है। आप देख सकते हैं जो रिजल्टेंट वैक्टर मैंने ए बनाया है इसका जो एंगल है वो मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, थीटा से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में थीटा है। तो ये थीटा हम कैसे मालूम करते हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि थीटा हमेशा हमारे पास टेन इन वर्स
ए वाई अपॉन ए एक्स के इक्वल होता है, एग्रीड। अगर ये बात ठीक है तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिख सकता हूं कि टेन इनवर्स, ये मैंने टेन इनवर्स लिखा, और ए वाई आज जो रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट है वो तो फर्स्ट वैक्टर का वाई कॉम्पोनेंट और प्लस सेकेंड वैक्टर का वाई कॉम्पोनेंट है हमारे पास। इसी तरीके से डिवाइडेड बाय जो ए एक्स है यानी रिजल्टेंट का जो एक्स है वो तो फर्स्ट वैक्टर का जो हमारे पास एक्स है और जो सेकेंड वैक्टर का जो एक्स कॉम्पोनेंट है उनका सम है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हमने लिखा tan इनवर्स, ठीक है, और ए वन वाई कैन बी रिटन एज ए वन साइन थीटा वन, और ए टू वाई को आप लिखेंगे ए टू साइन थीटा टू, सिमिलरली डिवाइडेड बाय ए वन एक्स को आप लिखेंगे ए वन कॉस थीटा वन, और ए टू एक्स को आप लिखेंगे ए टू कॉस थीटा टू। तो यहां जाके ये स्टेप नंबर फाइव हमारा कंप्लीट हो गया और हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब जो मैं करने जा रहा हूँ ये आपके लिए बोनस है, जो एग्जाम में क्वेश्चन की वेरिएशन होती है, तो मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद डेरिवेशन फिर आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर वो कहता है कि पहला वेक्टर F1 है तो आप इसको लिख दीजिए F1, ठीक है, और एंगल कितना बना रहा है, थीटा 1 बना रहा है। दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है F2, तो आप इसको लिख दीजिए F2 जो कि एंगल बना रहा है थीटा 2। यही काम आप यहां पर भी करेंगे, इसको F1 कह दीजिए और इस वेक्टर को आप क्या कह दीजिए F2 कह दीजिए। मेरा ख्याल आसान किस्म की बात है। अब जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो इस डायग्राम के ऊपर आ जाइए, ठीक है। ये जो थीटा 1 बना रहा है इस वेक्टर का नाम है आपके पास F1, जो थीटा 2 बना रहा है इस वेक्टर का नाम है आपके पास F2, एग्रीड। तो F1 और F2 को सम करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका नाम आप रख दीजिए F, मेरा ख्याल आसान किस्म की बात है। और F1 का ये जो x डायरेक्शन में यहां से ओरिजिन से लेकर यहां तक जो कंपोनेंट है इसको आप कह दीजिए F1x और इसे आप कह दीजिए F1y, मेरा ख्याल आसान बात है आपके लिए, ठीक है। इसी तरीके F2 का ये जो कंपोनेंट है इसे आप कह दीजिए F2x और इसके सामने वाले को कह दीजिए F2y। अब उसी तरीके से आपने करना है कि अगर ये F2x है तो ये भी क्या होगा F2x होगा, और अगर ये F1y है तो ये वाली जो लेंथ है ये भी क्या हो जाएगी F1y होगी। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर F, इसका जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है इसको आप कह दीजिए Fx, जो कि फर्स्ट वेक्टर का x कंपोनेंट और सेकंड वेक्टर के x कंपोनेंट का सम है, राइट। इसी तरीके से इस पूरी लेंथ को आप कह दीजिए Fy, जो कि आपके पास फर्स्ट वेक्टर का y कंपोनेंट और सेकंड वेक्टर का जो y कंपोनेंट है उनका क्या है आपस में सम है। तो इस तरीके से ये डायग्राम हमारे पास बन जाएगी F के लिए। इसी तरीके से अगर वो वेक्टर आपको देता है PQ की फॉर्म में तो पहले वेक्टर का नाम आप रख दीजिए P, जो कि x एक्स के साथ एंगल कितना बना रहा है थीटा 1, जो थीटा 2 बना रहा है उस वेक्टर का नाम रख दीजिए Q, ओके। तो इसका नाम रख दीजिए P, जो कि थीटा 1 बना रहा है, और इस वेक्टर का नाम रख दीजिए Q, ओके। मेरा ख्याल आसान किस्म की बात है। इसी तरीके से सम करने वाली डायग्राम के ऊपर आ जाइए। तो डायग्राम पे आप कैसे करेंगे कि ये जो वेक्टर है इसका नाम है P, जो कि एंगल बना रहा है थीटा 1, और जो ये वेक्टर है इसका नाम रख दीजिए Q, जो कि एंगल कितना बना रहा है थीटा 2 बना रहा है। तो P और Q का जो सम है इसका नाम क्या रख दे, इसका नाम आप R रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम R रख देता हूं, एग्रीड। तो P का जो x कंपोनेंट है ये इस दफा क्या हो जाएगा Px हो जाएगा मेरे पास, और P का जो y कंपोनेंट है इसका नाम हो जाएगा Py, समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से Q का जो x कंपोनेंट है इसका मैं नाम रख देता हूं Qx, और Q का जो y कंपोनेंट है इसका नाम मैं रख देता हूं Qy, आसान बात है। अगर ये Py है तो ये सामने वाली लेंथ भी क्या होगी Py के बराबर होगी, अगर ये हॉरिजॉन्टल लेंथ हमारे पास Qx है तो ये भी किसके बराबर होगा Qx के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर रिजल्टेंट वेक्टर का जो x कंपोनेंट है इसका नाम रखेंगे तो आप क्या रखेंगे Rx रख दीजिए, जो कि फर्स्ट वेक्टर यानी P का x कंपोनेंट और दूसरा वेक्टर यानी Q का x कंपोनेंट होगा, समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल ये बात। इसी तरीके से रिजल्टेंट का जो y कंपोनेंट है उसका नाम Ry रख दीजिए, जो कि पहले वेक्टर P का y कंपोनेंट और दूसरे वेक्टर Q का y कंपोनेंट का सम होगा। तो ये डायग्राम इस तरीके से बनेगी PQ के लिए। तो ये आपके लिए बोनस था, ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो जाए, और इस तरीके से आप इसकी इक्वेशंस को भी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा।